सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाड़ा जी एक बार तो फिर अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जी अज्ज अपनी क्लास है जी, वह होने वाली है रीजनिंग की जी। अज्ज अपनी क्लास किस दी जी? रीजनिंग दी अपनी क्लास है जी। तो अज्ज जो अपना टॉपिक है जी, टॉपिक अपना अल्फाबैट जी। पहला तुहानूं पता कि जी अपनी रीजनिंग है जी, सारी टॉपिक वाइज करवाई जा रही है। चार टॉपिक अपने पहला हो चुके हैं, अज्ज का जो टॉपिक अपना पांचवा जी अल्फाबैट का टॉपिक है। तो अज्ज जो अपना लैक्चर है जी, मतलब जो अपनी क्लास है जी, वह नौवीं, मतलब लैक्चर अपना पहला अठ क्लासा हो चुकिया ने जी रीजनिंग दी। अज्ज अपनी नौवीं क्लास है। जेकर तुम पहला वाली अठ क्लासा नहीं देखिया तो चैनल की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। तो चलो जी, बिना टाइम वेस्ट किए आप वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने तो पहले एक छोटी जी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल में करो सबसक्राइब, तो ही बैल आइकन प्रेस करो जी, क्योंकि असं तुहाडे लई इसे तरह जिहड़ी वीडियोज़ आ उह लैके आउंदे रहिंदे हां। तो कैंडीडेट्स नूं रिक्वेस्ट करूँगा कि जेकर तुहाडा कोई जानकार है जो पंजाब गौरमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उस नाल ये चैनल जरूर शेयर करो जी, क्योंकि इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाई जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो जी, अज्ज का अपना अल्फाबैट टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जी अपना पहला क्वेश्चन कि जेकर आर नू आई, यू नू आर, ई नू टी, एस नू पी, पी नू यू, टी नू एस, आई नू ई लिखा जाता है तो परसूट नू की लिखा जाएगा? तो इन आखिया जी कि जेकर इन शब्दों आपस बदलिया जाए तो जो अपना आ शब्द है इसनों की लिखा जाएगा? तो पहले इन शब्दों देख लेना किड़े नू की लिखा जाता है। तो इन्हें कहा जी कि जी अपने आर है जी, की है जी आर आ, वो किस बदली इन्होंने आई च जी, यू बदलिया इन्होंने जी आर च, अपना ई बदली इन्होंने टी च जी, एस बदले इन्होंने पी च, तो अपना पी बदले इन्होंने यू च जी, तो बाकी आप इस साइड लिख लें। उस बाद टी बदले इन्होंने जी एस च, आई बदले इन्होंने ई च। तो मुड़के इन्होंने पूछा जी कि अपना ये शब्द है पी ई आर एस यू आई टी, इसनों की लिखा जाएगा? तो देखो जी, इसमें आप हम कलर चेंज कर लेने पहला। तो देखो उन्होंने क्या कहा कि जो अपनी पी है जी वो किस बदली है, पी देखो पी बदली है यू च, तो इसके अकॉर्डिंग आप रख लेंगे। तो पी का की भाव है जी, देखो इतने लिखा इन्होंने कि जी पी है पी बदली है यू च कन्वर्ट हुई है, तो पी की हुई अपने पी देखो पी बदलेगी यू च, तो पी का की है जी इतने अपना यू है जी। ई किस बदली है, ई देखो जी तो ई बदली है टी च जी, किस बदली है ई, ई बदली है टी च जी। उस बाद अपनी आर है जी, आर किस बदली है देखो आर अपनी बदली उपर, देखो आर बदली आई च, आर अपनी हो गया आई जी। उस तो बाद एस है जी अपना, एस किस बदले जी, एस बदले अपना पी च, एस बदले पी च, तो यू अपना किस बदले जी, यू बदले अपना आर च, आई अपनी किस बदली जी, आई बदली अपनी ई च, तो टी अपनी किस बदली जी, टी बदली अपनी एस च। तो अपना इसका राइट आंसर की हो जी, यू टी आई पी आर ई एस, ये की हो जी इसका राइट आंसर हो जी। तो एक किड़े ऑप्शन जी देख सकते हो तुम, यू टी आई पी आर ई एस, बी ऑप्शन की हो जी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जी, बी ऑप्शन नाम बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की है जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन नंबर सैकंड देखो जी अपना कि जेकर आर नू एन, डी नू टी, आई नू यू, ओ नू आई, ई नू आर, टी नू ओ, यू नू डी, एन नू सी, अते सी नू ई लिखा जाता है तो इंट्रोड्यूस नू की लिखा जाएगा? तो सब तो पहले आप उसी तरह कर लें जो क्वेश्चन फर्स्ट किया था कि आर नू लिखा इन्होंने जी एन, उस तो बाद लिखा जी इन्होंने डी नू टी लिखा है, उस तो लिखा आई नू यू लिखा। तो कैंडिडेट्स थोड़ा ध्यान रखा करना, कई बार थोड़ी छोटी मोटी मिसटेक हो जाती है, क्योंकि अपने लैक्चर नंबर अठ च एक छोटी जी मिसटेक हो गई सी कि एफ सी जरा वो छे नंबर से आएगा, बट उस की गलती नाल पांच लिखा गया सी, तो वो कैंडिडेट्स नू पता चल गया सी, उन्होंने कमेंट्स से दस भी दिता सी। तो इस तरह जो कोई गलती होंगी तो कमेंट करके जरूर दस्या करो, ता जो भी पता चल सके भी की गलती है, तो कैंडिडेट्स नू दस्या जा सके। कई बार क्वेश्चन करवाने करवाने कोई मिसटेक हो जाती है तो उसनों नोट जरूर कर लिया करो। तो देखो जी आई नू की होता जू च बदलेंगे, जेकर ओ नू आई, ओ नू आई होगी अपनी, तो ई नू आर, ई नू जे आप आर च बदलीए,
उस तो आप इस साइड लिख लें ई नू आप आर्च का बदलता इस बार टी नू आप ओच बदलीए टी नू जे ओच बदलीए तो यू नू डी च यू नू डी च तो एन नू सी च यू नू डी च एन नू सी च बदलीए उस तो बाद सी नू ई च बदलीए सी नू ई च बदलीए तो इंट्रोड्यूस जो शब्द आ इस की लिखा जाएगा तो इंट्रोड्यूस आप लिख लें पहले सब तो पहला आई एन टी आर ओ डू डी यू सी इंट्रोड्यूस की लिखा गया अपनी इंट्रोड्यूस तो आप हम कलर चेंज करके देखते हैं इसका कलर चेंज करके हम करते हैं क्वेश्चन इसका सॉल्व तो आई नू की लिखा जाएगा जी आई देखो जी आई नू लिखा रहने यू आई नू लिखा रहने यू उस तो एन आ जी एन नू की लिखा जी इन्होंने एन नू लिखा सी एन नू की लिखा सी उस तो टी अपनी तो टी देखो जी टी अपनी टी नू लिखा इन्होंने ओ टी नू लिखा अपने इन्होंने ओ उस तो आर आ जी अपनी आर नू इन्होंने लिखा देखो उपर एन आर नू की लिखा इन्होंने एन उस तो ओ ओ नू की लिखा ओन लिखा आई ओन लिखा इन्होंने आई उस तो अपनी डी डी नू इन्होंने की लिखा जी डी नू लिखा टी डी नू लिखा अपना टी जी उस तो बाद अपना यू यू नू की लिखा जी यू नू लिखा डी उस तो बाद सी जी सी नू लिखा ई जी उस तो बाद ई है जी ई नू लिखा आर ई नू की लिखा अपनी आर तो जरा एक आंसर बन जू जी एक अपने को राइट आंसर हो जू तो हम ऑप्शन मैच करो कि कहड़े ना मिल रहा है यू को यू सी ओ देखो सारा मैच कर रहा है एन आई टी देखो एन आई टी अपने ना सी ऑप्शन है जी इसका क्वेश्चन नंबर दो का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यू सी ओ एन आई टी डी ई आर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट क्वेश्चन नंबर दो का उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी तुम्हें समझ आ गया होगा नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं अपना नैक्सट क्वेश्चन अपना जी क्वेश्चन नंबर तीन जी अंग्रेजी शब्द कोश में पहला शब्द केड़ा होगा तो जेडे अपने शब्द दिते जी इन्हें अंग्रेजी वर्ण वाला शब्द कोश जी अपने मतलब डिक्शनरी है जी उन्होंने इन्होंने सारा पहला शब्द केड़ा होगा मतलब सब तो उपर जिमें अपना तो एग्जाम्पल के तौर पर समझाइए कि जिमें अपन तीन शब्द दिते कां गां मझ तीन देते तो इन्हें ऐसा दसा ना कि जी अपनी पंजाबी की जी शब्द कोश होगी जी पंजाबी की डिक्शनरी है उन्होंने उपर सारा केड़ा होगा तो देखो जी पहला कै आना कि गै आना कि मैं आता तो अपना सारों पहला कै तो यह पहले नंबर पर ऑटोमेटिक हो जूगा तो गै अपना दूसरे नंबर पर आता तो यह दूसरे नंबर पर हो जाएगा एम अपना इन तो बाद आएगा तीजे नंबर पर हो जाएगा तो आप शब्द देखना कि जो डिक्शनरी तो सब तो उपर हो डिक्शनरी के भाव तो समझ के हो गए कि आंसर आप किमें देखा तो चलो लिख लें देखो जी कि तुम की देखना गा देखो कि ए ऑप्शन च सी ओ बी बी च भी सी ओ बी तो डी च भी सी ओ बी तो डी च बी मतलब तिना चार ऑप्शन च सी ओ बी जी सी ओ बी कि चार ऑप्शन जो सेम रहा तो इन्होंने चारों अगों कट दो अपने को उस तो बाद देख लें कि बजूगा तो अपने को देखो फस्ट बच्चा ई एन टी एंट्री ई एन टी आर वाई एंट्री वाई द्वारा लिखते हैं एंट्री उस तो बच्चा अरियंत ए आर थोड़ा थले कर लेते हैं ए आर आई ए एन टी थर्ड जो देखो कि बचा ए एल ई एन टी ए एल ई एन टी उस तो बाद अपना ई एन ए एन टी ई एन ए एन टी हुण कैंडिडेट्स नूं दसदा कि जिहड़े अपने मूरले शब्द ने सी ओ बी ये आपां क्यों लिखे क्योंकि चारां च सेम ने तो लिखण दा कोई फायदा नहीं क्योंकि कट्टे जाणगे तो हुण आपां देखणा कि डिक्शनरी जिहड़ा सब तो पहला जिहड़ा शब्द ओह किहड़ा होवेगा देखो आ ए अपनी एक नंबर ते हुंदी आ आ वी अपनी एक नंबर ते हुंदी आ आ पंज ते हुंदी आ वी अपनी पंज ते हुंदी आ तो इन्हां दोनों का कोई मतलब ही नहीं भी आउणगे क्योंकि पंज ते आ गए आपां पहले ते देखणा तो ये दोनों तो कट्टे गए ए ऑप्शन ते डी ऑप्शन दोनों कट्टे गए तो उस तो बाद देखो इन आ भी ये एक तैयारी है आ भी ये एक तैयारी है तो हम इन्हें आप दूसरा अल्फाबैट देखा यदा की है जी आर आर अपनी होंगी 18 जी एल हों अपना 12 जी
तो पहला किड़ा रहा, पहला 12 आएगा, पहला 18 आएगा, तो पहला 12 आएगा। तो डिक्शनरी मतलब सब तो पहला जोड़ा पहला शब्द ऑप्शन है शब्द कोश पहला शब्द किड़ा आएगा तो जरा बी ऑप्शन अपना ए किड़ा जी सॉरी बी ऑप्शन नहीं ये अपना सी ऑप्शन आ देख सकते इतने सी ओ बी ए एल एन टीन कोवलेंट सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जी क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद करता है क्वेश्चन भी तुम्हें समझ आ गया होगा जी क्वेश्चन समझ आ गया तो कमेंट करके तो जरूर दसो जी कि क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें समझ आ गया से जेकर तुम ना समझ आया तो नैक्सट वीडियो द्वारा तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता वैसे कैंडिडेट्स समझ आ गया होगा। तो चलो जी आप नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी अपना क्वेश्चन नंबर 4 जी अंग्रेजी वर्णमाला विच एफ ते बी दे बिल्कुल विच की होएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला जी तुम्हें पता ए तो अपनी जेड तक अंग्रेजी की होंगी वर्णमाला होंगी है तेन कह जी कि एफ ते बी दे विचकार एफ ते बी दे विचकार द्वारा लिखते हैं एफ ते बी दे विचकार केड़ा जिहड़ा जिहड़ा वर्णमाला दा शब्द आएगा इन्हां चारों चों ऑप्शनां च दसना आपां। तो सब तो पहला तुसीं करना की होगा जी देखो कि जेकर इन्हां जां पुछ इदां दा कोई भी क्वेश्चन तुहाडे तों पुछा जांदा कि डी ते जेड दे विच की होगा जां ओ ते एम दे विच की होगा इस तरह दे कोई भी क्वेश्चन पुछा जांदा तो तुसीं करना की है देखो सब तो पहला कि एफ आ जिहड़ा अपना एफ कि नंबर अपना एफ दा अपना 6 नंबर ते जी बी होंगी अपनी 22 नंबर पर जी कहते हैं 22 से तो इन्होंने दोनों करना कुछ नहीं दोनों आपस ऐड कर देना जी की करना जी दोनों ऐड कर देना तो 6 प्लस कि होंगे जी 22 दोनों ऐड करता तो अपने 2 से डिवाइड कर दो जी तो देखो की बन गया अपना 6 से 22 कि 28 कि 28 बटे 2 जी इन किन्ने कटना 14 से कि कटाई 14 आ गए तो इन दोनों के विचकार जोड़ा वो आऊगा वो की होगा 14 वाला जो 14 नंबर से अल्फाबैट अपना च 14 से की होंगे जी 15 तो होंगे जी ओ तो पहला की होंगे जी अपना ओ तो पहला आता अपना एन की आता जी अपना ओ तो पहला एन आता तो एन इसका की बिल्कुल राइट आंसर हो जू कि एफ तो बी दे विचकार क्योंकि एफ 6 नंबर पर है तो बी अपनी 22 नंबर पर है दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड किया 14 आ गया तो जो 14 नंबर पर अपना अल्फाबैट होगा वो इन दोनों के विचकार आएगा तो एन जो 14 नंबर पर होंगे तो इसका राइट आंसर की हो जू सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जू क्वेश्चन नंबर 4th का। उम्मीद करना एक क्वेश्चन भी तुम्हें जो समझ आ गया होगा। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आप जी नैक्सट क्वेश्चन अपना जी क्वेश्चन नंबर 5 जी कि अंग्रेजी वर्णमाला विच खब्बे तो 8वें अक्षर और सज्जे तो 7वें अक्षर के बिल्कुल विच केड़ा अक्षर होगा। तो सब तो पहला तुम्हें यह ध्यान रखना जी कि सज्जा पासा केड़ा होंदा अपना खुद का देखना खुद का नहीं देखना बल्कि ए बी सी देखना कि सज्जा पासा केड़ा होंदा खब्बा पासा केड़ा होंदा। तो देखो जी ए बी सी इस तरह अपनी ए बी सी चलती है तो अपनी मुकेंद एक्स वाई जेड इस तरह मुकेंद। तो जेकर गल की जाए कि खब्बे पास तो खब्बे पास गल करिए अपना शुरू होगा यह तो देखो जी जेकर गल की जाए खब्बे पासों तो अपने बंदे मतलब जो खुद आप कर रहे हैं तो अपने मतलब खब्बे पासों जेकर गल की खब्बे पासों तो आप इस साइड तो स्टार्ट करा भी खब्बे पासों गिनना काउंट करा हूँ इन्होंने की 8वें तो जो आप खब्बे लिखते हैं खब्बे तो 8वें तो खब्बा अपना इस साइड तो स्टार्ट होगा जी ए बी सी तो जेकर गल कर देखो हम सज्जे तो 7वें जेकर सज्जे तो 7वें गिने तो सज्जे तो आप गिना इस साइड ए बी सी जो आप जो कोई बंदा भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो उल्ट हो जाएगा जोड़ा तो सज्जा गा वो क्यों जी थोड़ा खब्बा होजू जो खब्बा गा वो क्यों जी थोड़ा सज्जा होजू इस तरह ही क्वेश्चन जो सॉल्व होगा। तो चलो देख लें जी कि इन्हें की कहा क्वेश्चन च कि खब्बे तो 8वें अक्षर खब्बे तो मतलब पिछों जी जेड तो पिछों इस तरह खब्बे तो 8वें खब्बे तो 8वें गल करिए जी तो जेड अपना होंगे 26 नंबर पर जी तो खब्बे तो जेकर आप गल करिए 8वां किनवा खब्बे तो 8वां खब्बे तो 8वां कि अक्षर किनवा किन्ने नंबर वर्ड आजू जी तो आज 19वें नंबर तेरा वरना 19 नंबर पर अपना की होंगे जी क्योंकि 20 नंबर तुम्हें पता टी होंगी जी टी तो पहले अपना एस तो 19 नंबर पर की आज अपना जी एस आजू ये तो अपन पता चल गया जी कि 19 नंबर पर की आ गया अपना 19 नंबर पर अपना आ गया एस आ गया जी 19 नंबर पर यह आप लिख लिया एक बार किन्ने नंबर पर जी ये आ गया 19 नंबर पर उस आख्या नहीं सज्जे तो 7वें अक्षर मतलब ए बी सी जो अपना इस साइड लाइन चलती है कि सज्जे तो 7वें अक्षर सज्जे तो 7वां तो ए बी सी अपना 7वां कौन सा जी 7वां तो अपना जी 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 किन्ने नंबर ने 7 नंबर पर तो इन्हों के बिच पूछा जी कि इन्हें दोनों के विचकारला जो अक्षर आ इतने वो केड़ा होगा इतने की क्वेश्चन मार्क ने पूछा कि अक्षर आएगा तो हूँ ही दस के टाइम का फॉर्मूला की है जी
कि दोनों आपस ऐड कर दो तो भी जोड़ा बिच वाला अखर आ जाऊगा। सत्त प्लस उन्नी बटे जी दो, सत्त उन्नी कि अपने जी ये होंगे अपने छब्बी बटे कि दो जी, दो छब्बी कट्टा तो तेरह आ जाऊगा। तो जोड़ा बचाला अखर आ जी ये वाला ये कि तेरह नंबर जो आता अपना तेरह तो की आता जी अपना अपना तेरह तो आता अपना इन चार ऑप्शन देखना जी अपना तो तेरह नंबर से की आवे अपनी तेरह नंबर सॉरी कैंडिडेट्स थोड़ी गलती होगी जी क्योंकि तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग की था जी कि जो अपना ए साइड होगा वो कड़ा होगा अपना सज्जा पासा होगा ए साइड खब्बा पासा होगा तो आप उल्ट करके जी बल्कि इस साइड एस नहीं आएगा ना ही इस साइड जी आएगी। थोड़ा दोबारा रिपीट कर दें क्वेश्चन जी हाँ देखो जी कि इन्हें क्या खब्बे तो अठवें अखर खब्बा मतलब इस साइड तो अपने जी तो सज्जे तो सत्तवें अखर सज्जे तो सत्तवें अखर अपना सज्जा तो इस साइड है तो सज्जे तो सत्तवें अखर पहले आप खब्बे देख लें खब्बे तो अठवें अखर जी तो खब्बे तो अपना अठवें अखर होता जी एच जी अपना तो अपना सज्जे तो सत्तवें अखर कौन जी मतलब जो बी नंबर से अपना अखर होता तो बी नंबर से अपना कौन जी बी तो होंगी अपनी टी जी ये होंगी अपनी बी नंबर से टी जी तो एच अपना जी अठ नंबर से तो अठ प्लस बी करा जी आप बटे जी की दो सॉरी इतने अठाई लिखता जी बी करा अठ प्लस बी बटे दो बराबर क्या जी अठाई बटे दो जी तो चौदह दोनों कि अठाई अपने तो इन्हें दोनों जो विचकारला अपना आएगा वो क्यों चौदह नंबर से चौदह नंबर से कि अपना जी एन तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कैंडिडेट्स तो माफ़ी चाहवा जी कि पहला किसी होर टाइप का थोड़ा जहा कन्फ्यूज हो गए थे कि तुम्हें समझा समझा कि जरा सज्जा पास जी उन्होंने आप खब्बा पास ले लिया जो खब्बा पास जी उन्होंने सज्जा पास ले लिया से तो करके जो अपना क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हो रहा है बट तुम्हें की करना जी कि जेकर गल की खब्बे पासों तो खब्बा पासा इस साइड तो स्टार्ट करना जेकर गल की सज्जा पासा इस साइड तो स्टार्ट करना। तो उम्मीद करता जी क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी अपना तो देखो जी नैक्सट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर छे जी कि अंग्रेजी वर्णमाला विच खब्बे तो चौथे अखर अते खब्बे तो ही अठवें मतलब चौवें अखर विच केड़ा अखर आएगा। तो देखो जी दोनों ही खब्बे खब्बे की गल की गई है दोनों क्योंकि कई बार सज्जा खब्बा होंदा जां खब्बा सज्जा होंदा हुण दोनों खब्बे की गल की गई है तो खब्बा मतलब इस साइड तो स्टार्ट करांगे ए बी सी साइड तो खब्बे तो मतलब चौथा ने पहला क्या चौथा इत्थे लिख लैंदा चौथा खब्बे ते उस तो बाद आखा गया इस साइड चलते चलते फिर इस खब्बे साइड तो ही मतलब इस साइड तो ही चौबीवें जी इस साइड तो की आख रहे हैं चौबीवें तो चौथे नंबर पर की होंगे जी अपना चौथे नंबर पर होंगी अपनी डी जी तो चौबीवें नंबर पर अपना की होजू एक्स जी तो इन्हें दोनों विचकारला अक्षर दसना हूँ जी आप कि दोनों विचकारला जो अपना अक्षर आएगा वो की आएगा तो करना की है जी ऐड कर दो तुम्हें पता ही है कि चार प्लस चौबी आ दो कर दौ चौबी तो दो चौबी तो चार अठाई होंगे जी अपने चौबी चार अपने अठाई दो तो कट्टा की आजू चौदह आजूगा तो जो चौदह नंबर से जो अपना अल्फाबैट होगा वह आंसर आजूगा चौदह नंबर से क्यों अपना जी चौदह नंबर तो अंदर एन तो इसका जो डी ऑप्शन है जी क्वेश्चन नंबर छे का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता एक क्वेश्चन भी तुम्हें समझ आ गया होगा। नैक्सट क्वेश्चन देख रहे जी आप नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना क्वेश्चन नंबर सत्त जी कि अंग्रेजी वर्णमाला में सज्जे तो पंजवें अखर सज्जे तो उन्नीवें अखर पहले खब्बे खब्बे से हुण सज्जे सज्जे जी मतलब बैक साइड चलेंगे अपना जैड वाई एक्स इस तरह बैक साइड चलेंगे तो इन्हें आख्या कि बैक साइड तो मतलब अपना सज्जे तो पंजवें अखर सज्जे तो मतलब जैड जैड हो गया अपना वाई हो गया एक्स हो गया डबल यू हो गया तो बी हो गया क्योंकि बी डबल यू एक्स वाई जैड मतलब इन्हें आख्या खब्बे सज्जे तो पंजवें सज्जे तो पंजवें केड़ा गई अपना बी केड़ा गई सज्जे तो पंजवें अपना बी सज्जे तो पंजवें आप लिख लिया जी बी लिख लिया जी अपना सज्जे तो ही किड़ा पंजवा आ गया तो उस तो आखा जी सज्जे तो ही उन्नीवें मतलब जैड वाई एक्स डबल्यू वी इस तरह ही इधरों मतलब उन्नीवें तो उन्नीवें केड़ा हो जूगा जी जेकर गल करिए अपना छब्बी तो उन्नीवें उन्नीवें का अंदाजा लगी जी तो अपना जोड़ा सज्जे तो मतलब जैड वाली साइड तो उन्नीवें की गल करिए आप कि उन्नीवें उन्नीवें अपना की होगा जी उन्नीवें देखो तुम कि छब्बी है टोटल छब्बी चो जो आप उन्नी घटाइए तो अपने बचते सत्त जी
तो वह अपना 19वां अक्षर तो नहीं हो सकता, तो इस तो आप सत्त चो करोकटा लाने तो जो 6 नंबर से होगा, 6 नंबर जो अपना अल्फाबैट्स होगा वह की होगा जी, वह अपना 19वां होगा, स खब्बे पासों सज्जे पासों 19वां होगा। तो 6 नंबर से की होंगे अपना 6 नंबर होंगे अपना एफ जी, कि नंबर एफ एड किन्ने नंबर होता 6 से, जी बी है जी अपनी ये होंगी अपनी 22 नंबर से। तो हम उन्हें दोनों विचकार आप दसना कि आएगा, दोनों विचकार देखा हम की आएगा, तो 6 प्लस 22 ऐड कर लो जी, तो आ गए अपने 6 से 22 अपने कहते 28 जी, दो डिवाइड कराए 14 आजगा, तो इस पर भी जो 14 नंबर जो अल्फाबैट्स होगा अपना जी, 14 नंबर तुम्हें पता कि एन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता ये क्वेश्चन भी तुम्हें समझ आ गया होगा जी। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी, अपना तो देखो जी कैंडिडेट्स कहते हैं कि जो प्रैक्टिस लिए क्वेश्चन वो ज़्यादा दया करो, पहले आप एक या दो क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस लिए दें, तो अज की वीडियो तुम्हें तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस लिए दिता जी, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, तिना आंसर तुम कमेंट करके देना, तो कमेंट अपना नाम भी जरूर लिखा करो जी, जो तुम आंसर लिखते हो अपना नाम जरूर लिखा करो जी, ताकि यह पता चल सके भी कौन कैंडिडेट जो अपनी रेगूलरली क्लास देख रहा, जो पता चल सके भी कौन कैंडिडेट्स ने भी पहला वीडियो तो कमेंट किया भी उन्होंने पहला क्वेश्चन सही सी जां हुण सही सी, क्योंकि एक गुड़िया का नाम वो ध्यान नहीं आ रहा, उन्हें अपने तीन लैक्चर जोड़े से बिल्कुल राइट आंसर से उसके, बट चौथे लैक्चर से दोनों क्वेश्चन के आंसर जो गलत हो गए, तो वह कहें सर मैं डीमोटिवेट हो गई क्योंकि मेरे तीन क्लास सीढ़िया वो आंसर से बिल्कुल राइट सके, तो हूँ चौथे लैक्चर से मेरे जोड़े आंसर आ वो गलत हो गए, तो मैं पेपर से भी गलत करूँगी, बट ये नहीं तुम प्रैक्टिस करते रहो तो जो क्वेश्चन वो पेपर से भी बिल्कुल 100% श्योर है जो सही जाएंगे, तो इसलिए इन तिना क्वेश्चन का आंसर तुम्हें देना कमेंट च, तो कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट करूँगा जी कि जो भी पंजाब पुलिस पंजाब जेल वार्डर या पंजाब पटवारी तैयारी कर रहा उस नाल ये वीडियो जरूर शेयर करो जी, तो जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगी सिर्फ जी जी वीडियो चंगी लगी तो ही लाइक करो, जे चंगी नहीं लगी तो डिसलाइक करके चले जायो, तो चैनल में चाहे अनसबसक्राइब कर दौ जे वीडियो चंकी ना लगी, तो जे तुहानू चंगी तरह समझ आ गई तां भी दस्सो कमेंट करके, तो एक रिक्वेस्ट होर करूँगा कि वीडियो के प्रति अपनी जिहड़ी तुहाडी एडवाइस आ जी, कोई भी एडवाइस है जो वीडियो कोई गलती है कमेंट करके जरूर दस्या करो, जेकर कोई एडवाइस या तुहाडी कोई साडी कोई गलती है तो उसनू असीं नैक्सट वीडियो जरूर अप्लाई करांगे, तो इस नाल तुहाडा दिन विदा जी, जल्दी मिलांगे नैक्सट वीडियो 'च।